बी सेंटर है। कल जो हम गए थे वो उनकी फैक्ट्री थी और दिस इज़ बेसिकली देयर टी सेंटर। देख सकते हैं आप भी काफ़ी दूर तक सिर्फ टी ही टी है और अब हम ऊपर जा रहे हैं। लेट्स काफ़ी दूर तक सिर्फ खाई और चाय है। सवाल सिर्फ ये है कि हम चाय पीने आए हैं या खाइयाँ देखने आए। टूस्टी अच्छा जी, इस वक्त हम लोग हैं टी सेंटर में जो कि बोट है, बो टी सेंटर सुंगाई प्लांट। ये कैमरॉन हाईलैंड्स में एक टी प्लांटेशन एरिया है। वो जो है यहाँ की एक लोकल टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उन्होंने ये सेंटर बनाया है जहाँ पर आप देख सकते हैं इस वक्त डेक पर कितने सारे लोग हैं। और ये जो आप सामने देखें ये व्यू चेक कर हमारे सामने सारी टी प्लांटेशन है। ब्रेकफास्ट कर सकते हैं और व्यू को इंजॉय कर सकते हैं। बड़ी रश लगी हुई है, लोग चाय चाय पी रहे हैं और खा पी रहे हैं, फोटो शोटो लोगों की सेल्फियाँ नहीं मिल रही। बंदा बोले यार मज़ा करने आए हो, जगह देखने आए हो या सेल्फी लेने आए हो। वो देखें वो जैकेट में जो भाई बैठा है जीन्स की जैकेट पहन के, उसको ठंड लग रही है, बता नहीं रहा है। और एक ये देखें वो पीछे देखें कुत्ती का भाई बैठा है, उसको तो इतनी ठंड लग रही है अपना जीन्स का जैकेट गाड़ी में छोड़ा है। अब पापा का जैकेट लेके बैठा है कि यार ठंड बड़ी लग रही, काम रहा था गर्म चाय पकड़ाई है उसको और उसको जैकेट बनाया तो कुछ उसकी हंसी नहीं। और एक ये मेम है हम दोनों भाई गरम गरम चाय पी आज मैंगो वलीना कैमरूनियन हाईलैंड। और एरिया मैम ने ये ख्वाहिश की दी थी ठंड में और वो पी नहीं गई, तो मेरी अगेन ये ख्वाहिश है कि एरिया कोई फरमाइश करे और वो पूरी करे। देखें ये दुआ है कैमरा कि स्ट्रॉबेरी टार्ट लेमन लाइम टी दोनों वैसे के वैसे ही पड़े। ये जितना टार्ट है ये मैंने नहीं खाया। भाई साहब क्या क्या तस्वीर है आपको, माहौल कैसा लग रहा है आपको? जी माहौल तो बहुत अच्छा है और सर्दी भी लग रही है थोड़ी सी, मज़ा भी आ रहा है, मज़ा भी बहुत। आप दोबारा आएंगे कैमरॉन हाईलैंड? बिल्कुल जी, मैं अब नेक्स्ट फरवरी में हूँ। तो अगली बार जब आएंगे तो क्या स्वेटर लेकर आएंगे साथ? तो ये पिछली किस्त में पता चल गया। तो कैसा लगा आपको कैमरॉन हाईलैंड? सर्दी वाला मौसम अच्छा मज़ा। आप रेकमेंड करेंगे दूसरों को कि वो भी आए? बिल्कुल वो वाली चाय, बिल्कुल वो चाय तो बहुत ज़बरदस्त है, वो भी नहीं मारती बिल्कुल, फिर भी नाम वो है। भाईजान आपका क्या ख्याल है? बहुत अच्छा है। कौन? मैं तो बहुत अच्छा हूँ। तो आप दोबारा आएंगे अकेले? किसके साथ आएंगे? जब भी पापा आएंगे। अगर विकी चाचू आ रहे तो? शायद। अच्छा भाईजान आपका क्या ख्याल है?
यहाँ पे सर्दी बहुत है तो आप नहीं आएंगे वापस? आ सकता हूँ लेकिन और प्रोटेक्शन के साथ। मामा आपका क्या ख्याल है प्रोटेक्शन के साथ? ठंड तो मिली ना यहाँ पे? ठंड मिली है? अच्छा आप ठंड से बेचारे बागी हो गए तुम लोग। एय मैम, मैम आप भी बोले। से हेलो, से हेलो विक्की चाचू। देखें जी ठंड की वजह से लोग खराब हो रहे हैं, हम भी काफी खराब हुए लेकिन रास्ते से आते हुए खराब हुए। बड़े खाइयों वाला रास्ता है और गूगल वाली बहन इतनी खराब हो गई कि वो एक टाइम पर कहती टेक राइट, देखा तो राइट पे खाई थी। मैंने कहा बहन खुदा का वास्ता चाय तो पी नहीं है अभी, अभी तो दुनिया भी नहीं देखी, और टेक राइट करके वो टेक घुटना टेक वाला टेक कर रही थी। मैंने कहा ये तो जाती है हमारे से। अब हम लोग ने इसीलिए ये किया कि हम लोगों ने ना किसी की बात ही नहीं सुनी, जो नजर आएगा वही देखेंगे, हम भी आंखों देखी वाला हाल करेंगे। वो देखें ये देखें इसको जीन्स का जैकेट पहन के इतना खुश हो रहा है, इसको पता नहीं क्या होगा जब बर्फ में जाएगा। सुबांग में तो कभी जैकेट पहनना नसीब ही नहीं हुआ। इन्होंने सुबांग में कभी जैकेट नहीं खरीदा। देखो मजे की बात, बारिश इतनी होती है ठंड नहीं होती, ठंड के लिए इनको 200 किलोमीटर चल के आना पड़ा इधर कैमरून हाईलैंड। मजे की होते चल के, पैदल नहीं आए गाड़ी में आए, गाड़ी चल के आई है। तो देखें हम दोनों भाइयों को हंसी कितनी आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले ठंड लग रही थी कांप रहा था, अभी पापा ने अपना जैकेट दिया उतार के सेक्रीफाइस किया है मजबूरी के तहत, अपना जैकेट जो है छोटे बच्चे को दान किया है ताकि उसको ठंड ना लग जाए, और खुद पापा से दिल दिल में ठिठर रही। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे तो आपको पता है देखें ठंड लगती नहीं है। देखें मैं तो शॉर्ट्स में आया हूँ।